हेलो एवरीवन, मैं ज्योति, कुक विद ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी छोले, जिसके लिए मैंने छोलों को उबाल लिया है। और ये मैंने दो टमाटर, कुछ लहसुन, दो हरी मिर्च, दो टुकड़े दालचीनी, एक तेज़पत्ता, 8-10 काली मिर्ची और 8-7 लौंग और आधी चम्मच जीरा लिया है। इसको हम जार में डालकर इसकी प्योरी बना के तैयार कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार करेंगे। मैंने सरसों के तेल में तेज़पत्ता, साबुत मिर्ची और ये खड़ा धनिया मैंने डाल दिया है। उसके बाद आधा चम्मच इसके अंदर जीरा डालेंगे और अच्छे से इनको भूनने के बाद में फिर हम इसमें एक बड़ी इलायची, जावित्री, स्टारफूल और एक चम्मच इसके अंदर हम कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये 8-7 कली मैंने लहसुन की बारीक कट करके इसके अंदर डाल दी हैं। आप लहसुन स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं खाते हैं तो, बट लहसुन से फ्लेवर इसका बहुत, पंजाबी छोलों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हींग डाल दी है। अब इनको सबको अच्छे से हम भूनेंगे और उसके बाद अब हम कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हरी मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जब तक हमारी प्याज और हरी मिर्च भुन रही है, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने आधी कटोरी दही लिया है, इसमें हम अपने जो सूखे मसाले हैं ना वो मिलाएंगे। उसको मिलाने से फ्रेंड्स सब्ज़ी में एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे इसके अंदर। मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मैं सेंधा नमक खाती हूँ, तो वो क्वांटिटी में थोड़ा सा जैसे ज़्यादा दिखता है बाकी नमक से। और ये आधा चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और उसके बाद आधा चम्मच से भी कम ये गरम मसाला मैंने लिया है। फ्रेंड्स, इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं इसमें डालना भूल गई थी, आप इसी समय इसमें मिलाकर एक साइड में रख दीजिएगा। और प्याज हमारी भुन गई है, अब इसमें हमने जो टमाटर की जो प्योरी बनाई है उसको हम अच्छे से इसमें डाल के भून लेंगे। हमें इसको 2 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है। और फ्रेंड्स, दही में इस तरीके से मसाले मिलाने से पंजाबी जो छोले होते हैं उनमें टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। आप इसको छोले भटूरे या छोले कुलचे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जार में वापस से पानी डाल के मिला के इसी में हम डाल देंगे। और लगभग ये थोड़ा पक गया है। अब इसके अंदर हमने जो दही में जो मसाले मिला के तैयार किए हैं उनको भी हम अब इसी में ही मिला देंगे। इसी तरीके से दही में है तो थोड़ा सा पहले उसको मिला लीजिएगा, वरना दही में जो एक गुठली सी होती है वो मसाले में दिखेगी, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसलिए इस तरीके से पहले थोड़ा सा दही को और मसालों को इस तरीके से फेंटेंगे और अब इसको हम इसी मसाले में ऐड कर देंगे। बाकी हमारा जैसे जो मसाला था टमाटर वाला, वो जो है तेल छोड़ने लगा है, अब उसमें हम इस मसाले को ऐड कर देंगे और इसको हमें अच्छे से मिलाना है। फ्रेंड्स, हमें इसी तरीके से चलाते हुए मसालों को भूनना है। और ये पूरा प्रोसेस जो है हम आप फुल फ्लेम पे करेंगे। फ्रेंड्स, फुल फ्लेम पे करने से मसालों में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, जैसे होता है ना ढाबों पे बहुत, वो फुल फ्लेम पे करते हैं तो एक अच्छी सी खुशबू आती है। अब मसाला हमारा जो है तेल छोड़ चुका है, अब इसमें हम 2 चम्मच के लगभग जो है मलाई ऐड कर देंगे। मलाई से एक क्रीमीनेस जो है हमारे छोले में आता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम डाल के अच्छे से मिलाएंगे। और साथ ही में मैंने ये थोड़ा सा पनीर लिया है, इसको भी मैंने क्रम कर इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स, जो पंजाबी छोले होते हैं ना उनमें पनीर का इस तरीके से क्रश करके डालने के बाद जो टेस्ट आता है वो बहुत बढ़िया निकल के आता है। तो ये आप डालना ना भूलें, ये आप ज़रूर इसके अंदर ऐड करें। और पनीर डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला हमारा लगभग तैयार है। अब इसमें हम अपने जो छोले हैं उसको हम मिला देंगे। लगभग 1 से 2 मिनट ही हमें इसको भूनना है। आप देख ही रहे होंगे कि जो मसाला है हमारा साइडों से पूरा तेल छोड़ चुका है। इट मीन्स मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है।
अब इसके अंदर हम अपने छोले जो हैं ऐड कर देंगे। और मैं यहाँ पे अभी जो छोले हैं सारे नहीं डालूँगी, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसके अंदर छोले डालूँगी और उसमें से कुछ छोले हम इसमें से बचा के रख लेंगे, जिसको मैं मैश करके डालूँगी। अभी देखिए आप देख रहे होंगे कि छोले छोले अलग दिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता है। और मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई थी, तो मैं वो थोड़ा सा आपको वही बता रही हूँ कि मैं वापस दूसरे पैन में थोड़ा सा हल्दी को ऑयल में गर्म करके वापस से इसी में डाल दूँगी, तो थोड़ा कलर देखने में नहीं अच्छा लग रहा है, बाकी टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। और ये बाकी मैंने जो छोले रख लिए थे उनको भी मैं इस तरीके से मैश करके इसी में मिला दूँगी। इस तरीके से मैश करके मिलाने से फ्रेंड्स एक तो सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा सब्ज़ी में थिकनेस अच्छी हो जाती है। तो जब छोले कुलचे हम खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस तरीके से आप मैश करके ज़रूर डालें। ये हमने जो छोलों को मैश किया है ये हम वापस से उसी में मिला देंगे। और सच्ची ये छोले इस तरीके से बनाने से आप फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। वैसे खाना तो हर कोई बनाता है, सबका थोड़ा थोड़ा सा अपना बस एक चेंजिंग होता है, जिस वजह से खाना का जो स्वाद है वो बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। बाकी तो वैसे खाना सभी को ही बनाना आता है, हो सकता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा बेटर बनाते हों, बट ये मेरा तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स अगर मेरे बताने का तरीका आपको ज़रा भी पसंद आता है तो एक बार आप उसको ट्राई ज़रूर करके देखें। हमें इसको बस 5 मिनट और पकाना है, जिससे साइड से जो इसका सब्ज़ी में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो साइड से रिलीज़ हो जाएगा और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। और फ्रेंड्स सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। और मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।